जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। ये है वोकैब चालीसा की 15वीं क्लास, यानी कि एक के बाद एक सीरीज आपको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भरपूर जो है कंटेंट के साथ मिल रही है। बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जो हम लोगों ने चला रखी थी पहले हर एग्ज़ाम के लिए। ऐसी ही एक और सीरीज आप लोगों के लिए स्पेशली वोकैबलरी के लिए चल रही है, जिसमें तीन तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे सिनोनिम का क्वेश्चन हो, एंटोनिम का क्वेश्चन हो या वन वर्ड का, आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस में वोकैब पावर की यानी कि वर्ड पावर की बहुत ज़रूरत होती है। उसी वर्ड पावर को कंप्लीट कराने के लिए वोकैब चालीसा आई है। इसी नाम से आपके लिए एक हार्ड कॉपी भी बन रही है वोकैबलरी की बुक, जो आप लोगों के पास पहुँच जाएगी कुछ ही टाइम में। बट फिलहाल आप लोगों को मैं बहुत सारे वर्ड्स ऐसे कराना चाहता हूँ जिनसे आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये जो वोकैब चालीसा सीरीज है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें बहुत ही हाईली एग्जाम ओरिएंटेड, एक एक शब्द 10-10, 20-20 बार पूछा गया है रिपीटेडली, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आज हमारी 15वीं क्लास है, सेम कॉन्टेंट के साथ सेम, ठीक है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो भाई, कमेंट करके आप बताते हैं, फीडबैक देते हैं, तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू चल पाती है, ठीक है। हाँ, और ये आप लोगों को पता है, ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, जो भी सॉल्यूशन की पीडीएफ्स होती हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला शब्द, देख लो भाई आपके सामने हैं सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से। कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे बोलते हैं यार ये चीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स तो एडजेक्टिव होता है, किसी भी चीज़ की क्वालिफिकेशन है कि भाई ये चीज़ जो है एकदम कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। और कॉम्प्लेक्सिटी नाउन हो जाता है जटिलता, समझ गए। जैसे कोई चीज़ गुण है, गुण मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है या कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स दोनों सिनोनिम होते हैं, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी नाउन की तरह यूज़ करा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है। और कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव होता है, कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये दोनों आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्वालिफिकेशन यानी कि जटिल कह सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो जटिल होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है जटिलता, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है जैसे इंट्रिकेसी समझते हो, इंट्रिकेट से बन गया। इन्वॉल्यूशन, कॉन्वॉल्यूशन, इन्वॉल्यूशन, कॉन्वॉल्यूशन, ये सारे के सारे होते हैं स्ट्रिक्टनेस यानी कि जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस में, सारे के सारे सिमिलर मीनिंग्स हैं। आप इंट्रिकेसी भी कह सकते हो, इन्वॉल्यूशन भी कह सकते हो, कॉन्वॉल्यूशन भी कह सकते हो, चारों के चारों शब्द का मतलब होता है क्या चीज़, जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी। एक होती है सिंप्लिसिटी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको समझना बहुत आसान है, तो उसके अंदर सिंप्लिसिटी होती है, सिंपलनेस। सिंपल तो एडजेक्टिव होता है, नेस लगा दिया नाउन बन गया। प्लेन एडजेक्टिव होता है, नेस लगा दिया नाउन बन गया। प्लेननेस, सिंपलनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, इन्वॉल्यूशन मतलब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें या इंडल्ज होती हैं, तो उसको इन्वॉल्यूशन कहते हैं, कॉन्वॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे कॉमेंसमेंट एक शब्द निकल के आता है। देखो कॉमेंस से बना है कॉमेंट, देखो कॉमेंस होता है, ठीक है, एक होता है कमेंड, ठीक है, कमेंड और कमेंस, कमेंस छोड़ो आप कमेंड पढ़ो पहले। तो कमेंड जो शब्द होता है वो आपका वर्ब की तरह यूज करा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, क्या करना मेरे भाई, प्रशंसा करना, ये वर्ब की तरह यूज हो गया। और कमेंड में से बना दिया हमने कमेंसमेंट, कमेंसमेंट MENT बन गया, ये नाउन बन गया आपका, ये वर्ब था ये नाउन बन गया। इधर प्रशंसा करना हो गया तो इधर अच्छा कमेंड नहीं, ये कमेंसमेंट जो है वो अच्छा कमेंस से शुरुआत हुआ है, ठीक है। कमेंड अलग है, इसको अलग से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंस पढ़ लो, यहाँ पर देख लो कमेंस, ये कमेंड अलग है, कमेंस अलग है, इधर अलग से लिख लेना कमेंस, ठीक है। हाँ, कमेंस भी वर्ब की तरह यूज होता है, ये दोनों अलग वर्ड हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज होगा, इसका मतलब होता है प्रारंभ करना, ठीक है। दोनों अलग अलग वर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभ करना दोनों सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। देखो कमेंस जो होता है
वो होता है वर्ब कमेंस, मतलब प्रारंभ करना। अभी मैंने यहां पे लिखा था, फिलहाल हम लोग कमेंट को पढ़ लेते हैं। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, और कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, यानी कि किसी चीज की शुरुआत करना, आरंभ करना, शुरू करना, ठीक है। और कमेंस से बना है कमेंट, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट नाउन हो गया, यानी कि प्रारंभ, ठीक है, आरंभ, किसी भी चीज की शुरुआत कह सकते हो, शुरुआत कह सकते हो, ठीक है, या शुरुआत करना कह सकते हो। ये वर्ब हो जाएगी, ये आपका नाउन हो जाएगा, कमेंसमेंट। कमेंट बनता है आपका प्रशंसा, ठीक है, और कमेंट का भी नाउन आप बना सकते हो। अभी फिलहाल आप कमेंस को जो है पढ़ो, कमेंसमेंट बना दी हमने, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ लो। जैसे कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो लॉन्चिंग, जैसे कि हमारे चैनल पे एक टीम लॉन्च होगी, यानी कि टीम की शुरुआत होगी, एक नई चीज़ की शुरुआत होगी। बहुत जल्दी आपके सामने हमारी टीम प्रकट होने वाली है, आपके सारे सब्जेक्ट को कवर कराएंगे। आउटसेट करना, किसी भी चीज़ को आज से ही शुरू करना, ठीक है। इंसेप्शन, रिसेप्शन, इंसेप्शन, स्टार्ट करना, बिगिन, ठीक है। एक होता है एंड, मतलब ख़त्म करना, है ना, एंडिंग भी ख़त्म होता है, ओमेगा भी ख़त्म होता है, ठीक है। कंक्लूजन मतलब होता है, कंक्लूजन क्या होता है, किसी भी चीज़ का परिणाम, ठीक है, अंत कह सकते हो। आगे चलोगे देखो, कॉमोडियस क्या होता है, कॉमोडियस, कॉमोडियस होता है स्पेशियस, जो बहुत बड़ा हो, विशाल हो, जिसका आकार बहुत बड़ा है, उसको हम लोग कॉमोडियस कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंशियल क्या कहते हैं, सब्सटेंशियल, विशाल, लार्ज कह सकते हो, एम्पल कह सकते हो, स्पेशियस कह सकते हो। अभी बताया था ओ यू एस लगा है तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, है ना, हाँ। और एक होता है स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड, कैम्प्ड और कंजस्टेड, मतलब संयुक्त कह सकते हो, संयुक्त कह सकते हो, संक्षिप्त कह सकते हो, क्या कह सकते हो, संक्षिप्त, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉमोशन। देखो यहां पे देखो, कॉमोडियस हो गया विशाल, और कॉमोडियस से कॉमोशन नहीं बना है, कॉमोशन अलग से शब्द होता है, कॉमोशन का मतलब होता है हो हल्ला, ठीक है, नॉइज कह सकते हो, एज ए नाउन यूज करा जाता है ये, है ना। अप्रोवर का मतलब होता है दहाड़, अप्रोअर का मतलब होता है दहाड़, ठीक है, हाँ। और ट्यूमल्ट होता है, डिस्टरबेंस होता है, एडो होता है, बॉयस्ट्रस तो एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाता है, कॉमोशन आपका नाउन होता है हो हल्ला, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा कह सकते हो, शोर शराबा, या फिर शोर कह सकते हो, नॉइज एज ए नाउन यूज करा जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। एक होता है प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी मतलब शांति, प्लेसिडिटी कहाँ से बना है भाई, प्लेसिड से बना है, प्लेसिड होता है शांत करना, शांत करना, मतलब वर्ब की तरह यूज होता है ये, कैसे होता है, वर्ब की तरह, आइसोलेशन कह सकते हो, स्ट्रेंजमेंट कह सकते हो, स्ट्रेंजमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को शांत करना, कम करना, घटाना, आइसोलेशन मतलब अलग करना होता है, ठीक है। कंपेनिश, कंपेनियनशिप, देखो कंपेनियन का मतलब होता है दोस्ती, कंपेनियन का मतलब होता है दोस्ती, ठीक है, और कंपेनियनशिप होता है भाईचारा, नहीं, कंपेनियन होता है दोस्त, कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त, ठीक है, फ्रेंड, हाँ, कंपेनियन होता है आपका साथी, नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, साथी। और एक होता है आपका साथ देने वाला, कंपेनियनशिप, जैसे फ्रेंड और फ्रेंडशिप, जैसे आप कह सकते हो फ्रेंड, ठीक है, ये भी आपका नाउन हो गया, ऐसे ही बन गया फ्रेंडशिप, ये भी नाउन है, वो भी नाउन है, कंपेनियन भी नाउन है और कंपेनियनशिप भी नाउन है, भाईचारा, ठीक है, दोस्ती कह सकते हो, भाईचारा, दोस्ती, ठीक है, नाउन की तरह यूज करा जाएगा ये। सिनोनिम्स देखो, मजा आएगा। जैसे एक तो होता है कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब होता है दोस्त, साथी, और कॉमरेडशिप भी होता है क्या, साथ या दोस्ती। फॉलो, फॉलोअर होता है दो, जो आपको फॉलो करता है, फॉलोशिप मतलब दोस्ती हो जाएगी। सोसाइटी आप जानते हो, कई सारे लोगों से मिलके जो सोसाइटी बनती है। इनडिफरेंस एकदम उदासीनता कह सकते हो, उदासीनता, लोनलीनेस अकेलापन, ठीक है। फॉलोन नेस होता है असहायता, असहायता,
फॉल लोन समझते क्या होता है? फॉल लोन होता है असहाय, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाता है। कोई भी अगर बेसहारा होता है उसको फॉलोन बोलते हैं। एक होता है कॉल्यूशन। कॉल्यूशन तो आप जानते हैं, जब आप किसी भी काम को करते हो जानबूझ करके, ठीक है, किसी भी काम को जानबूझ के करते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेडली हो गया, नहीं, आपने उस काम को जानबूझ के करा है, तो उसको बोलते हैं कॉल्यूशन। कॉल्यूशन मतलब होता है सांठ गांठ, मिली भगत, ठीक है, बॉन्डिंग, है ना, नाउन की तरह यूज करोगे। जैसे एक होता है प्लॉटिंग, इंट्रीग, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र जिसको कहते हैं, ठीक है। एक होता है इनोसेंस, ठीक है, इनोसेंस होती है, जैसे कि इनोसेंट आदमी कौन होता है, इनोसेंट कौन होता है बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम सीधा साधा होता है, तो भोलापन कह सकते हो, कह सकते हो भोलापन, ठीक है, हाँ। और एक होता है नॉन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि किसी भी चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, है ना, तो उसको नॉन इन्वॉल्वमेंट कहेंगे। एक होता है कॉमेंस, जो मैंने अभी अभी बताया था, देखो कॉमेंस बताया था, प्रारंभ होता है कॉमेंसमेंट, और प्रारंभ करना होता है कॉमेंस, बिगिन स्टार्ट करना, लॉन्च करना, ओपन और स्टार्ट करना, एज अ वर्ब यूज करोगे, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ठीक है, सारे के सारे वर्ड्स। स्टॉप होता है, टर्मिनेट होता है, खत्म करना, समाप्त करना, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, क्या करना, समाप्त करना। कंक्लूड होता है, सीज होता है, कंक्लूड मतलब किसी भी चीज का क्या निकालना, कंक्लूजन निकालना, ठीक है, कंक्लूड होता है। चलो कंपेशन क्या होता है, कंपेशन जानते हो, दया, जैसे कि मान लो किसी का नुकसान हो गया और आपने उसको कंपेंसेट कर दिया, यानी कि जो भी उसका नुकसान हुआ है आपने उसको कंपेंसेट कर दिया, भरपाई कर दी, यानी कि आपने उस पर रहम दिखा दिया, ठीक है। तो कंपेंसन जो होता है वो नाउन होता है, कंपेंसेट जो होता है वो आपकी वर्ब होती है, आगे चल के देखेंगे, ठीक है। एम्पैथी हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, क्लेमेंसी हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, दया कह सकते हो आप, ठीक है, हाँ, दया भावना, एम्पैथी, सिंपैथी, सेंसिटिविटी, क्लेमेंसी, इस तरह से। अपैथी होता है उदासीनता, अपैथी मतलब उदासीनता, क्रुएलिटी कह सकते हो, बार्बेरिटी, क्रूरता, क्या कह सकते हो, क्रूरता कह सकते हो, ठीक है। चलो एक होता है कंपोजर। कंपोजर होता है किसी भी चीज का संतुलन, स्पेशली ये तो मानसिक संतुलन की बात हो रही है कंपोजर, लेकिन आप कंपोजर को किसी भी चीज के कंपोजिशन से रिलेट कर सकते हो। कंपोजिशन मतलब किसी भी चीज का मिलना, किसी भी चीज को मिला के कोई चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो कंपोजिशन से आप रिलेट करके इसको पढ़ सकते हो, कंपोजर मतलब कोई भी ऐसी चीज, किसी भी चीज का संतुलन, स्पेशली ये जो यूज करा जाता है ये मानसिक संतुलन के लिए इस्तेमाल करा जाता है कंपोजर, ठीक है। कंपोजर होता है मानसिक संतुलन के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, मानसिक संतुलन के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक, नाउन की तरह यूज करा जाएगा कंपोजर। उसके बाद सेरेनिटी, एक होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और प्लेसिडिटी मतलब शांति, मानसिक संतुलन मतलब शांति, ठीक है। अपोजिट में देखोगे, देखो परटर्ब बेशन, परटर्बेशन, एजिटेशन, ये होता है उतावलापन, ठीक है, एंजाइटी कह सकते हो, चिड़चिड़ापन कह सकते हो, ठीक है, डिस्टरबेंस कह सकते हो, असंतुलन कह सकते हो, असंतुलन कह सकते हो, डिस्टरबेंस कह सकते हो, परटर्बेशन कह सकते हो, एजिटेशन कह सकते हो, डिसकंपोजर कह सकते हो, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस होता है अनुपालन, यानी कि किसी भी को कंप्लाई करना, अनुपालन नाउन की तरह यूज करा जाएगा, कंप्लाई होता है अनुपालन करना, ठीक है, कंप्लाई ये होता है पालन करना, ये वर्ब की तरह यूज करा जाता है, ये नाउन की तरह यूज करा जाता है, कॉम्प्लियंस मतलब अनुपालन, ठीक है। डोसिलिटी विनम्रता हो जाएगा, ओबीडियंस, ठीक है, आज्ञाकारिता, ये होता है आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी होता है ओबीकारिता, ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, और ये होता है आज्ञाकारिता, ठीक है। डोसाइल होता है विनम्र, और डोसाइलिटी होता है, डोसाइलिटी होता है विनम्रता, कंफर्मिटी यही होता है सेम। तो आपने देखा ये सारे के सारे आपके नाउन की तरह यूज करे गए हैं, और एक ही सेंस में अनुपालन, ठीक है, पालन कह सकते हो।
एक होता है आपका इंट्रैक्टेबिलिटी। इंट्रैक्टेबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो इंट्रैक्ट करने वाली जो अंदर की जो क्वालिटी होती है कि आप किसी भी बात को कहोगे तो उसको इंट्रैक्ट करेगा, वो आपसे फेस टू फेस बहस करेगा, वो आपकी बात को पालन नहीं करेगा। डिसओबीडियंस कह सकते हो, अवज्ञाकारिता, डेफियंस कह सकते हो, वितरण, विरत, विरत बोलते हैं उसको कि किसी की बात ना मानना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही सही, इतने ही बहुत है। और हर क्लास में हमारे 70 to 80 वर्ड्स तो मिनिमम है, मिनिमम रहते हैं इतने, तो ये मिनिमम इतने सारे वर्ड्स हमारे पास रहते हैं, इतने वर्ड्स हमारे पास रहते ही हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पर इनकी पीडीएफ मिलेगी, ओपन स्टडी नाम से हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग सा, बढ़िया सा लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।